नमस्कार, मैं अरुण छाजेड। आज हम बात करते हैं जीएसटी पोर्टल पर। 2 दिन पहले एक नया फीचर आया था यूजर सर्विसेज में। आप एक नया ऑप्शन देखेंगे, जनरेट यूजर आईडी फॉर अनरजिस्टर्ड पर्सन। जनरेट यूजर आईडी फॉर अनरजिस्टर्ड पर्सन, ये क्या है फीचर? आप देखिएगा, द फंक्शनलिटी इज ओनली फॉर द पर्सन हु इज नॉट रजिस्टर्ड, आइदर नॉट रजिस्टर्ड और नॉट लाइबल टू बी रजिस्टर्ड और सीकिंग वॉलंटरली रजिस्ट्रेशन। सो इट मीन्स ना तो मैं रजिस्टर्ड हूँ, ना मैं लाइबल टू बी रजिस्टर्ड हूँ और ना मैंने वॉलंटरली रजिस्ट्रेशन लेना है। इन दैट केस दिस फीचर इज फॉर देम। एंड फॉर व्हाट पर्पस? दिस यूजर आईडी इज ओनली फैसिलिटेटिंग सर्टेन फंक्शनलिटी टू अनरजिस्टर्ड पर्सन, जैसे एडवांस रूलिंग या रिफंड। डू यू विश टू कंटिन्यू? एक बार यस पे क्लिक करते हैं। अब अगर आप ये देखेंगे, यहां पर आपके पास में 3 ऑप्शन आ रहे हैं। आर यू अप्लाइंग टेम्पररी आईडी एज अनरजिस्टर्ड एप्लीकेंट फॉर क्लेमिंग द रिफंड और एडवांस रूलिंग और सप्लाई टू द ई कॉमर्स ऑपरेटर, काइंडली सेलेक्ट। सो इट मीन्स इफ आई एम नॉट रजिस्टर्ड इन द जीएसटी पोर्टल इज अलाउिंग मी एनी ऑफ द 3 फंक्शनलिटी। एक बार समझते हैं। टू क्लेम द रिफंड, इसका मतलब क्या हुआ? सर, अनरजिस्टर्ड पर्सन रिफंड क्लेम कर सकता है? जी हाँ, अगर आप सेक्शन 54 सबसेक्शन 1 की लैंग्वेज देखेंगे तो वो लैंग्वेज स्टार्ट होती है एनी पर्सन, पेड द टैक्स, इंटरेस्ट एटसेट्रा। इसका मतलब क्या हुआ? रिफंड लेने के लिए पर्सन का रजिस्टर्ड होना जरूरी नहीं है। प्लस अभी रिसेंटली आपको ध्यान होगा, एक सर्कुलर 188 आया था, सर्कुलर 188 आया था। उसने 2 केस में, एक अगर किसी ने फ्लैट बाय किया है और दूसरा एक इंश्योरेंस पॉलिसी के रिगार्ड में, उसमें डिटेल्ड प्रोसेस बताया गया था कि भाई किस सिचुएशन में रिफंड बन सकता है, कैसे रिफंड बन सकता है। उसने बोला, सर्कुलर ने बताया था हमें कि अगर आपका क्रेडिट नोट इश्यू करने का टाइम लिमिट है तो आप सप्लायर से क्रेडिट नोट लेंगे, अगर वो टाइम लिमिट एक्सपायर हो गया तो बींग ए रिसिपिएंट अनरजिस्टर्ड कैन ऑल्सो फाइल द रिफंड। तो उस पर्टिकुलर सर्कुलर 188 को प्रैक्टिकली अप्लाई किया गया है बाय जीएसटी पोर्टल। अब एडवांस रूलिंग, वी ऑल नो दैट अगर आप सेक्शन 97 देखेंगे तो वो ये कहता है कि आप एडवांस रूलिंग फाइल कर सकते हैं फॉर मल्टीपल सिचुएशन, जिसमें एक मैं एग्जांपल आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ कि ए पर्सन लाइबल टू टेक रजिस्ट्रेशन और नॉट। अगर मैं अनरजिस्टर्ड हूं और मुझे ये पूछना है डिपार्टमेंट से कि मैं लाइबल हूं या नहीं हूं, मतलब आज मैं अनरजिस्टर्ड हूं, फ्यूचर में लाइबल होऊंगा या नहीं, ये क्वेश्चन मैं पूछ सकता हूं बाय फाइलिंग द एप्लीकेशन फॉर एडवांस रूलिंग। और अनरजिस्टर्ड हूं इसलिए मैं यहां पर क्लिक करके प्रोसीड करूंगा। आगे बढ़ता हूं, टू अप्लाई एज ए सप्लायर टू ई कॉमर्स ऑपरेटर। अभी ये चीज मुझे समझ में नहीं आई, इसको यहां पर ऐड करने का लॉजिक क्या होगा? देखो, अगर मैं एक बार रजिस्ट्रेशन के चैप्टर में जाता हूं और रिक्वायरमेंट समझता हूं कि वहां पे क्या रिक्वायरमेंट है, मैं 2 पार्ट में डिवाइड करता हूं कि अगर मैं सर्विस प्रोवाइडर हूं, ठीक है, या मैं सप्लाई ऑफ गुड्स करता हूं। अगर मैं सर्विस प्रोवाइडर हूं तो सेक्शन 24 ये कहता है मुझे, और अगर आप सप्लाई द गुड्स या सर्विसेज करें थ्रू ई कॉमर्स ऑपरेटर तो मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। इसका मतलब क्या हुआ? अनरजिस्टर्ड सप्लाई नहीं कर सकता। मैं जुलाई 17 की बात कर रहा हूं। उसके बाद में एक नोटिफिकेशन आया था 65/2017 जिसने सर्विस प्रोवाइडर को रिलैक्स किया। अगर मैं सर्विस प्रोवाइडर हूं तो मैं सर्विस की सप्लाई कर सकता हूं थ्रू ई कॉमर्स ऑपरेटर। अब बात करता हूं मैं गुड्स की। गुड्स के केस में कोई नोटिफिकेशन नहीं था। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आप गुड्स की सप्लाई करना चाहते हैं थ्रू ई कॉमर्स ऑपरेटर, लाइक मैं, मेरी गुड्स की सप्लाई है और मैं अमेजोन पे रजिस्टर्ड होना चाहता हूं, आई कैन नॉट मेक द सप्लाई विदाउट टेकिंग द रजिस्ट्रेशन। तो मुझे रजिस्टर्ड होना अनिवार्य था, मैंडेटरी था। अब एक बात मैं कंपोजिशन की भी करता हूं आपके साथ। अगर कंपोजिशन 2 तरीके के होते हैं, 10 सबसेक्शन 1 या 10 सबसेक्शन 2A। अब 10(1) की क्या रेस्ट्रिक्शन है, वो 10 सबसेक्शन 2 में दी गई है
और 10(2)A में भी रेस्ट्रिक्शन बताई गई है। रेस्ट्रिक्शन मतलब कि कंपोजिशन डीलर के लिए क्या कंडीशंस है, उसमें मैं एक कंडीशन का डिस्कशन करना चाहूंगा, कैन नॉट मेक द सप्लाई ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज थ्रू ई कॉमर्स ऑपरेटर। इसका मतलब अगर आप कंपोजिट डीलर में रजिस्टर्ड हैं और गुड्स या सर्विसेज के सप्लाई करना चाहते हैं, ईसीओ नहीं कर सकते। बट अब अगर मैं फाइनेंस एक्ट 23 की बात करूं, वहां पे सर्टेन अमेंडमेंट हुआ है विच इज टू बी नोटिफाइड, तो कंपोजिशन में भी अमेंडमेंट है और नॉर्मल केस में भी अमेंडमेंट है। अमेंडमेंट मतलब आप गुड्स की सप्लाई कर, रेगुलर केस में बात कर रहा हूं आपके साथ, अभी कंपोजिशन की बात नहीं कर रहा हूं, रेगुलर केस में भी आप गुड्स की सप्लाई कर सकते हैं विद इन द स्टेट प्रोवाइडेड द लिमिट शुड नॉट एक्सीड 40 लाख। तो नोटिफिकेशन आना बाकी है और इसके रिगार्ड में वो अमेंडमेंट भी नोटिफाई होना बाकी है। जब ये नोटिफाई हो जाएगा तब क्या करना होगा, क्या कोई भी अनरजिस्टर्ड सप्लाई कर सकता है? नहीं, अपने आप को यहां पर रजिस्टर्ड करना होगा। मतलब खाली एक टेम्पररी रजिस्ट्रेशन की बात करूं, टेम्पररी आईडी। अब ये टेम्पररी आईडी क्यों जनरेट करना होगा, इसका लिंकिंग एक पेनल्टी सेक्शन के साथ है, सब 122 सबसेक्शन 1 भी। सर ये क्या हुआ, ई कॉमर्स ऑपरेटर के ऊपर ये रेस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स की है, अगर आप किसी ऐसे पर्सन को जो या तो सप्लाई करने के लिए एलिजिबल ही नहीं है या एलिजिबल है बट विद इन द लिमिट, तो आपकी ये रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि जब भी वो सप्लाई क्रॉस करे तो आप उसकी सप्लाई को स्टॉप कर दे। मैं आपको लेमन लैंग्वेज में समझा रहा हूं, लेकिन आप लैंग्वेज एग्जैक्ट पढ़ सकते हैं 122(1)(b) या जितने भी सेक्शन की हमने बात की। इसका मतलब क्या हुआ, वो कंट्रोल कैसे करेगा, ऑब्वियसली थ्रू सिस्टम के साथ, सिस्टम के थ्रू करेगा। तो सिस्टम में क्या होगा, अब एक टेम्पररी आईडी मैं जनरेट करूंगा, लेट्स से मैं रजिस्टर्ड हूं और मैं अमेज़न के साथ, अमेज़न के माध्यम से सप्लाई करना चाहता हूं। ध्यान रखना यहां पे 95 पावर नहीं है, ठीक है। अब मैं टेम्पररी आईडी जनरेट करूंगा, फिर मैं सप्लाई करूंगा, तो क्या होगा, ये ट्रैक होना स्टार्ट हो जाएगा एट ई कॉमर्स एंड, सो दे कैन इंश्योर द कंप्लायंस ऑफ द 122(1)(b), वो नॉन कंप्लायंस में ना चले जाएंगे। आई होप ओवरऑल डिस्कशन आपको समझ में आ गया, कोई भी डाउट है आप हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।